नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। एलओसी पार आतंकी कैंप्स में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा था, बार बार परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन भारतीय सैनिकों के सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लिया है भारत में गुब्बारे भेजकर, जिन पर वही धमकियां लिखी हुई है जो कमोबेश पाकिस्तान की सरकार, सेना और आतंकी अपने घर में दुबक कर भारत को देते रहते हैं। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी मारे और अब बदले में पाकिस्तान भारत को गुब्बारे भेजकर धमकियां दे रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की मानसिक स्थिति क्या है और पड़ोसी कितना डरा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारी सेना के जवानों ने कांपता पाकिस्तान बैलून से लेगा बदला। भारत मारे आतंकी, पाकिस्तान छोड़े गुब्बारे। एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर भारत ने जो सर्जिकल ऑपरेशन किया, पाकिस्तान ने उसका बदला ऐसे लिया है, ये पाकिस्तानी गुब्बारे हैं जो अब आतंकियों के बदले भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, क्योंकि अब आतंकियों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। भारतीय सेना के डर से पाकिस्तान के पालतू आतंकी दुम दबाकर भाग रहे हैं, तो पाकिस्तान अब ऐसे धमकी वाले गुब्बारों पर उड़ रहा है। ये गुब्बारे मिले हैं पंजाब के कई इलाकों में। पंजाब के करतारपुर में गुब्बारों पर उर्दू में पर्चों पर लिखा है, बदला लेंगे। वहीं पठानकोट में मिले गुब्बारों के पर्चे पर लिखा है, मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकती। तो गुरदासपुर में मिले गुब्बारों पर लिखा है, मोदी जी अयूबी की तलवारें अभी हमारे पास हैं, इस्लाम जिंदाबाद। जबकि पठानकोट में सेना को एक कबूतर मिला है, जिस पर बंधी चिट्ठी में लिखा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर पर जुल्म का बदला लिया जाएगा। यह अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, लश्कर ए तैयबा। पाकिस्तान के गीदड़ भपकी वाले ये गुब्बारे पंजाब बॉर्डर से सटे गांव में मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उर्दू दो लाइन लिखिया हुई ने कि मोदी जी सुन लें, अयूबी की तलवारें अभी हमारे पास है, इस्लाम जिंदाबाद। किसी के थले साइन नहीं, सारिया सुरक्षा एजेंसियां ने संबंधी जो जागरूक करवाया गया, ये संबंधी जो है पूरा नलसे जो हो रहा, तो फिर ही किसी सिटे पर पुज के जो है ये संबंधी जो स्पष्ट किया जा सकता। ये गुब्बारे सबूत हैं भारतीय सेना से जोरदार तमाचा खाए पाकिस्तान की बौखलाहट का। एलओसी पार भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खबर आई थी कि पीओके से आतंकी डर के मारे फरार हो रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को उन्हें रोकने के लिए जी जान लगाना पड़ रहा है। इससे परेशान आतंकी सरगना हाफिज सईद ने भारत से जल्द बदला लेने की धमकी भी दी थी। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह सबीरुल्लाह। और हाफिज की धमकी के बाद पाकिस्तान ने सर्जिकल ऑपरेशन का बदला ऐसे लेना शुरू किया है। पाकिस्तान भारत में धमकी वाले गुब्बारे और साजिशों वाले कबूतर उड़ा रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय सेना के दम से पस्त पाकिस्तान की ये कोशिश अब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है। ये सब एक हिस्सा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, ये पहले भी हो चुका है, लड़ाई के जमाने में भी होता है। गुब्बारे निकालते खासकर चाइनीज और पाकिस्तानी अभी कर रहे हैं, ताकि आपके आम लोगों के पास डर पैदा हो जाए कि हम बदला लेंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जो पहले जितना कर सकते थे अभी उससे कमी कर सकते हैं वो, क्योंकि हम तैयार हैं। अभी बैलून भेजने से क्या होता है, कुछ नहीं है, आने दीजिए जितना बैलून आ रहा है।
क्या बैलून भेजने से हमारा क्या है, और 100 बैलून भेज दो वापस मैसेज देना है और क्या। लेकिन इन साजिश के गुब्बारों से सावधानी की जरूरत इसलिए है क्योंकि LOC पार हुए सर्जिकल ऑपरेशन का बदला लेने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है और गुब्बारों के जरिए खतरनाक केमिकल और विस्फोटक भी भारत की सीमाओं के भीतर उड़ाए जा सकते हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला और अश्वनी गुप्ता के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद बुरी तरह तिलमिलाए पाकिस्तान की ओर से उड़ाए गए गुब्बारों में जिस सलाउद्दीन अयूबी का नाम लिखा है और परमाणु बम पर इतराने वाले पाकिस्तान को अब अयूबी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, वो है कौन? सलाउद्दीन अयूबी को 12वीं सदी का महान कुर्द योद्धा माना जाता है जिसने फिलिस्तीन को यूरोप के कब्जे से आजाद कराया था। कहा यह जाता है कि सलाउद्दीन अयूबी की तलवार बिजली की तरह चलती थी, लेकिन महान योद्धा होने के अलावा सलाउद्दीन बेहद विनम्र राजा भी था। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान को ये कैसे सूट करेगा। पाकिस्तान एक ओर भारत के खिलाफ युद्ध उन्माद फैला रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सोच के खिलाफ उसी देश के कई सारे लोग खड़े हो गए हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी पत्रकार है निसार अली, उन्होंने अपने देश के लोगों को आईना दिखाते हुए कहा कि एटम बम का दर्द दिखाने वालों को पता ही नहीं है कि इससे खुद अपना ही मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सुनिए। अब एक और पहलू, इंडिया की आबादी कितनी है सुनील मुखर्जी, जरा बताएं। 1 अरब से ऊपर है, 1 अरब के करीब होने। अच्छा, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। ये कैसा, मैं एटम बॉम्ब के बारे में कहा करता हूँ, ये कैसी एटमी कुव्वत है जिसका सारा धड़, सारा जिस्म, अपर लोअर हाफ सारा मफलूज है, वो व्हील चेयर पे है, सिर्फ उसका एक बाजू जो है वो बहुत मजबूत है। आप कह रहे हैं हमारी तो ऐसे आदमी को तो कोई 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 तमाचा मार के भाग जाए तो वो माजूर आदमी क्या कर लेगा, ये इस तरह की एटमी ताकत है। LOC पार आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले के बाद जो पाकिस्तान युद्ध की तैयारी का ड्रामा कर रहा है, परमाणु बम से हमलों की धमकी दे रहा है, उसे अपने ही देश के इस पत्रकार की आवाज जरूर सुननी चाहिए। नवाज शरीफ को सुनना चाहिए कि एटम बम पर इतराने वाले पाकिस्तानी कैसे अपने देश को गर्त में डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को नामुमकिन तरीन काम था ये एटम बम बनाना, वो बना लिया, अपने बच्चों को किताब नहीं दे सके, अपने मरीज को इलाज नहीं दे सके, अपने मजलूम को इंसाफ नहीं दे सके, एटम बम बना लिया। और ये एटम बम कर क्या रहा है प्रैक्टिकली, ये भूखे की भूख की हिफाजत कर रहा है। हसन ने अपने देश को असलियत बताने की कोशिश भी की कि अगर भारत पाकिस्तान में एटमी युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इंडिया की आबादी कितनी है सुनील मुखर्जी, जरा बताएं। 1 अरब से ऊपर है, 1 अरब डेढ़ के करीब होने। अच्छा, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़, एक मफरूजा बड़ा भयानक, लेकिन जिंदगी है, ये सब चलता है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया, कितना, 80 करोड़, वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ने NSA अजीत डोवल की उस बात का समर्थन करते हुए ये चेतावनी दी है। अजीत डोवल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करता है तो उसे भारी नुकसान सहना होगा। इसके अलावा हसन निसार ने यह भी साफ कर दिया कि एटमी हमले की धमकी के मामले में
पाकिस्तान के कई लोग क्या सोचते हैं। कैसी एटमी कुव्वत है जिसका सारा धड़, सारा जिस्म, अपर लोअर हाफ सारा मफलूज है, वो व्हीलचेयर पे है, सिर्फ उसका एक बाजू जो है वो बहुत मजबूत है। आप कह रहे हैं हमारी तो ऐसे आदमी को तो कोई तमाचा मार के भाग जाए तो वो मजबूर आदमी क्या कर लेगा। ये इस तरह की एटमी ताकत है। पाकिस्तान के लोग समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ, राहिल शरीफ और हाफिज सईद जैसों की पलटन कैसे मुल्क को बर्बादी की गर्त में उतार रही है, इसलिए अब आतंक के इस गठजोड़ के खिलाफ खुलकर आवाजें उठने लगी हैं। कि हाफिज सईद साहब की सोच एक जमाने में ट्राई, इट वाज वर्थ ट्राइंग दैट, हमने ट्राई कर ली, वो नहीं सक्सेसफुल हुई, बहुत कुछ गवा दिया उसने। अब जरूर ये कि क्या हमें बिल्कुल रैप कर देना चाहिए या नहीं, ना करें मत करें, उनका हक है अपनी सोच के ऊपर ख्याल का इजहार करने का, करें, मगर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके साथ आपकी रियासत, आपके मुल्क को नुकसान हो जाए। भारत के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को डर है कि जंग हुई तो वो भूखा मरेगा, और जंग ना हुई तो वो सूखा मरेगा। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर यही चिंता है। भारत ने सिंधु जल संधि पर कोई कड़ा फैसला लिया तो पाकिस्तान प्यासा मारा जाएगा। कोई वाटर की क्राइसिस नहीं हुई, ये बातें शुरू हो गई हैं, मगर अभी तक हिंदुस्तान ने कोई पानी चोरी नहीं किया, बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, आगे हो सकता है कि नहीं, आगे जो प्लान्स बना रहे हैं उससे बिल्कुल हो सकता है, इसलिए अब हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में हसन निसार और नजम सेठी जैसी आवाजें नवाज की शराफत बेनकाब करने में जुटी हैं, ताकि पाकिस्तान के सिर पर जो एटम बम का भूत सवार है कहीं वो उसे ही न ले डूबे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।